आ जाइए हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बालू शाही गर्मा गर्म और छोले भटूरे बनाए हैं मैंने, तो वो साथ में खाते हैं। आ जाइए, और न्यू ईयर पे यही स्पेशल है मेरी तरफ से आप सबके लिए। और इसके बाद हम लोग चलेंगे आउटसाइड घूमने के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मनाएंगे इस बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज हम लोग थोड़ा आउटसाइड के लिए चल रहे हैं अब, और टाइम भी हो गया, 1:30 बज चुका है। बस अभी खाना पीना हो गया है। आज खाने में छोले भटूरे बने थे। बस खाना खाने के बाद अब हम निकल रहे हैं आउटसाइड के लिए। चलो, जहाँ हम जाते हैं वहाँ आपको साथ लेके चलते हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आज हम कहाँ जा रहे हैं। न्यू ईयर का डे है तो थोड़ा स्पेशल बना लेते हैं। सो चलिए हमारे साथ, देखिए हमारे पति महाराज जी और दिशान बाबू जी चल दिए हैं, हम उनके पीछे पीछे। आप भी आ जाइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, तो अभी बस ट्रेवल शुरू हो चुकी है डैम के लिए। सो आज हम जा रहे हैं डैम और मिलिए हमारी फैमिली से। हेलो गाइस, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद अस टुडे। ओके, एंजॉय विद अस। थैंक यू। निशान से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो मस्कट से डैम के लिए जर्नी स्टार्ट हो गई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हिल्स वाले रोड पे, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये हिल्स को कट कर करके राउंड राउंड बना के अपसाइड तक ले जाके बनाया गया है। ये रोड ये एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है, मतलब मस्कट से अलमरात पहुंचने का ये शॉर्ट वे है सबसे ज़्यादा। तो इससे हम दूसरे शहर में एंटर कर लेंगे। और ये रोड है ना, और काफ़ी ऊंचाई पे है, ऐसे ही राउंड राउंड जाते हैं। तो देखिए मस्कट भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से है ये। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, आधा वे कंप्लीट हो गया है, अभी आधा और है पहुंचने के लिए। ये बस देखो चले जा रहे भूस्खलन हैं, आ गया चले है। जा रहे हैं। और हिल्स हिल्स ही हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। इधर जाओगे डैम पे तो कुरियात साइड में है ये वाला डैम। चारों तरफ हिल्स ही हिल्स आ रहे हैं बस। और दिशान बाबू जी का दिशान का लंच नहीं हुआ था घर पे, उसके लिए मैं पूड़ियाँ बना के ले आई थी, तो वो खिला दी मैंने उसको, तो उसका लंच कार में हुआ है आज। और ये सिंगल रोड पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से अब डैम आने वाला ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे आपको रेड हिल्स देखने को मिलेंगे, और जब रेन आती है तो इनमें से जो वाटर निकलता है वो भी रेड कलर का ही निकलता है। हम लोग कई बार आए हैं डैम। तो फाइनली बादी दख्या डैम नाम से है ये, और हम पहुँच चुके हैं। और जो आपको अपसाइड हिल्स दिख रहे हैं इतने ज़्यादा ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, और क्लाउड्स को ऐसा लगता है टच कर रहे हैं ये वाले हिल्स। और यहाँ से एंट्री होती है डैम के लिए। सो वेलकम टू वादी दक्या डैम। तो चलिए चलते हैं हम इनसाइड, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। जो पार्क और डैम का जो रोड बना हुआ है वो भी हिल्स को कट करके बनाया है। और ये देखिए इतना ऊपर आ गए हैं हम फिर से चढ़ के हिल्स में, फाइनली अपसाइड आ गए हैं हम। यहीं पे कार पार्क होते हैं, इधर ही कार पार्क करेंगे, और राइट में पूरा पार्क है, लेफ्ट में ये अपसाइड बिल्डिंग बनाया हुआ है। तो चलिए कार पार्क करते हैं। अभी पहुंच चुके हैं हम फाइनली डैम पे। सो ये देखिए जो पूरा बैक में दिख रहा है ये सब डैम है, और पानी बहुत ही ज़्यादा कम है डैम पे। सो अभी जा रहे हैं अप साइड के लिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अप साइड से डाउन साइड का व्यू, तो बहुत ज़्यादा ही हाइट पे हैं हम। और ये आपको ग्रीनरी जो नज़र आ रही है, पूरा डेट्स के ट्री लगे हुए हैं, मतलब बाग बनाया हुआ है वादी में पूरा। और कितना नीचे है, और वहाँ भी बहुत से लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, वाटर में बहुत से लोग नहाते हैं, बैठते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। सो अभी हम तो अपसाइड जा रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ कार भी जाते हैं अपसाइड, बट हम पैदल पैदल निकल लिए।
अब साइड आ गए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, वाटर रिसोर्स फिशर, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर का। और इसके पास में भी ये पूरा गार्डन बनाया हुआ है, यहाँ भी आके लोग बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत तेज यहाँ पे चल रही है, कूल कूल एयर, बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में जो दिख रहा है ये वाटर, यही है पूरा नेचुरल वाटर है ये इन हिल्स में ही रहता है हमेशा। मैंने जब भी आती हूँ ऐसे ही देखा है, और एक दो बार इससे निकलते हुए भी देखा है वाटर को डाउन साइड यहाँ फॉल होते हुए डैम से, बट अभी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा हवा कूल है, वैसे तो आप देख सकते हैं सनलाइट तो काफ़ी आ रही है। और देखो दिसान क्या करने लग रहा है इसको, बस कुछ ना कुछ ऐसे काम चाहिए। यहाँ पे कुछ ये ख़राब हो गया है जो ये बना हुआ है वे, तो उसको देखने लग रहा है कि ये कैसे ख़राब हो गया है। और हम भी अपना उधर घूम रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है घूमने के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और ज़्यादा भीड़ तो है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप घूम ना सको। तो मॉल्स, बीच और पार्क जा जाके पकने से अच्छा है कि थोड़ा कहीं अलग चलो। और ये डैम जो है मैंने एक भी वीडियो में शेयर भी नहीं किया था, क्योंकि लास्ट ईयर से कोरोना आ गया था तो फिर हम लोग आए ही नहीं थे इधर साइड। तो ये देखिए आप यहाँ से इसका जो व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, और वाटर जो है उसमें देखो सनलाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वाटर में। और इसके ही पास में ऐसे ये बनाया हुआ है एक पार्क। तो अभी हम लोग अपसाइड आए हैं तो उसके नीचे रह गया इसी, यहीं पे पार्क की हुई है हमने भी कार, इस तरीके से पार्क दिया हुआ है। एक छोटा सा कैफ़े भी है इधर, वहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। और वॉशरूम वगैरह बनाया हुआ है, और इस टाइप से है ये हिल्स के बीच में वाटर। तो इसमें बनाए हुए हैं पूरा स्टेयर्स राउंड राउंड में। और दिशा हमने पापा साथ उधर ही चला गया है, बोल रहा है पापा चलो हम इधर से डाउन साइड चलते हैं, बट अभी हम थोड़ा और इन्जॉय करेंगे अप साइड में ही, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है, पूरा कवर हो रहा है अच्छे से डाउन साइड का व्यू जो है। चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, इन्जॉय कीजिए। अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं, मतलब पूरा नीचे नहीं पहुंचे, बीच में ही हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको इधर, यहाँ पे व्यू ऑफ पॉइंट बनाया हुआ है डैम का, तो वहीं चलते हैं। चलिए तो ये वाला जो बे है ये जा रहा है उधर साइड के लिए, ये डैम अभी ओपन नहीं किया हुआ है, बंद है, तो वाटरफॉल नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत ही प्यारा दिखता है। तो ये रहा व्यू ऑफ पॉइंट, हम पहुंच चुके हैं। और इधर ये जो होल्स देख रहे हैं आप, इनमें से जब डैम ओपन किया जाता है तो वाटर निकलता है, वादी में बहता हुआ चलता जाता है आगे के लिए। और ओवरफ्लो भी होता है कभी कभी, जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है इधर, तो ये यहाँ से ओवरफ्लो भी होने लग जाता है। और इस वाटर में किसी भी तरीके की कोई भी आपको स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि ये एकदम नेचुरल वाटर वो पता है, मतलब बोला जाता है नेचुरल वाटर है ये पहाड़ों में। और बहुत ही ज़्यादा गहराई है इस वाटर की डाउन साइड तक, जो आप देख पा रहे थे उधर डैम को, उतना ही गहरा है ये। तो चलिए अब यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, और तो इसलिए ज़्यादा भीड़ में रुकना अच्छी बात नहीं है, कोविड का टाइम है। सो हम जल्दी जल्दी घिसक लिए यहाँ से, और ये सब व्यू आ रहा है इधर से। आज ये बनाया हुआ है पूरा पार्क साइड से, तो काफ़ी बड़ा है ये पार्क। चलिए अब चलते हैं। और वापस जाते जाते हम आ गए फिर से ऊपर वाले रास्ते पे, जो सबसे ऊपर रह गया था बना हुआ एक बिल्डिंग सा, तो वहाँ पे, वहाँ से अब फिर से वापस जा रहे हैं हम। तो यहाँ से पूरा दिखाती हूँ मैं आपको हिल्स का ये वे, और सामने जो व्यू आने वाला है वो ज़रूर देखिए आप। अभी अप साइड से हम डाउन साइड के लिए आ गए हैं, और ये विलेज है, इसी में होके जो बे जा रहा है उस जगह के लिए जो डैम का वाटर फॉल होता है वहाँ, तो वहीं चलते हैं साथ में। इस गांव में होके, मतलब विलेज में होके ही निकल के जाना होता है।
तो अभी हम डाउन साइड में आ गए हैं, और भी डाउन साइड में आप देख रहे हैं वहाँ से वाटर होते हुए जाता है, ये पूरी वादी है तो इसमें चला जाता है वाटर जो भी निकलता है डैम में से। तो अभी बस घूमना हो गया है यहाँ पे डैम पे, और अब चलते हैं हम वापस घर के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से कम 150 किलोमीटर तो हो ही जाता है। तो चलिए अब निकलते हैं हम यहाँ से वापस, बस अभी बस नीचे आ गए हैं लेकिन जा नहीं रहे उधर की साइड में, और ये देखिए। तो चलिए अब घर चलते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से पूरा बाग बनाया हुआ है डेट्स खजूर के पेड़ों का, जहाँ जहाँ वादी होती है वहाँ पे ये बाग आसानी से बन जाता है, क्योंकि पानी देना काफी इजी हो जाता है इसलिए। और ये गांव जैसा माहौल दिखेगा आपको इधर, ये पूरा एक छोटा सा गांव है, तो उन लोगों की ये बाग में ही खेती बाड़ी भी है, कुछ ना कुछ वो बना के रखते हैं अपना खेत में। और अब फिर से देखो हम लोग निकलेंगे तो गांव में होके, और ये देखिए ये है गांव यहाँ का, ओमान का गांव भी आपको देखने को मिल गया। बहुत सारे गांव पड़ते हैं, जब हम लोग मस्कट से इधर पुरिया आते असूर कहीं के लिए जाओगे बहुत सारे गांव आते हैं बीच बीच में छोटे छोटे से, लेकिन अच्छे होते हैं गांव में भी, पूरा रोड और लाइट का पूरा अच्छे से बनाया हुआ है सिस्टम। वाटर की प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे टैंकर्स आते हैं वाटर के, उनसे फिल होता है। ये बहुत ही पुराने जमाने के घर बने हुए हैं, और नए नए गांव भी है, ये बहुत ज्यादा पुराना है। इधर ये घर जो दिख रहे हैं आपको, आपको दिख रही होंगी, इधर ये है गांव के लोग, और इधर साइड से भी है ये गांव पूरा, इधर नए नए घर बने हुए हैं इधर की साइड में पुराने। तो अब हम चल दिए हैं अपने घर के लिए वापस, तो अब ये सिंगल रोड ही चलेगा और फिर इससे हम लोग आ जाएंगे मेन रोड पे, कुरियात से अलमिरात तक जो जाता है रोड उसमें। सो चलिए चलते हैं फास्ट। फाइनली मेन रोड पे पहुंच चुके हैं, कुरियात से अमीरात तक चल दिया है ये रोड। शाम हो चुकी है और अलमिरात क्रॉस होने वाला है, और ये जो लाइट्स आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं ये पूरा हिल्स में ही जाने वाला है रास्ता मस्कट के लिए। सो अब मस्कट पहुँच के मिलते हैं। अभी हम चल रहे हैं पहाड़ों वाले ही रास्ते में, और जितना भी आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं ये आ गया है मस्कट। तो अभी हम मस्कट पहुंचने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से, यहाँ कुछ पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, आप रुकिए वहाँ से ये व्यू लीजिए। और अभी तो हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी घर के लिए वापस, सो फिर कभी मैं आपको ये यहाँ से पूरा व्यू दिखाऊंगी। तो अभी बस घर पे आ गई हूँ और 6:25 हो रहे हैं, और अभी ये देखिए सामान भी मेरे हाथ में ही है, बस एंट्री की है डोर से। अधिशान अपने पापा के साथ में मार्केट चला गया है, मुझे ड्रॉप करके चले गए हैं, वो मिल्क लेके आना है। अधिशान भी जाने की बोल रहा था, उसे मार्केट जाना है चॉकलेट और कैंडी लेने, सो वही सब लेने के लिए चला गया है। तब तक मैं जाके अपना फ्रेशअप कर लेती हूँ, फिर वो आएगा फिर उसके भी कपड़े चेंज करने हैं। सो चलिए अभी ये सब काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो अभी आ गई हूँ, हाथ मुँह धुल के अच्छे से, थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है माइंड को, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, बहुत टाइम के बाद में हम लोग इतना लंबा गए आज, और चाय बनने के लिए रख दी। अभी इसमें चीनी, चाय की पत्ती और अदरक डाल दिया, अच्छे से बॉयल हो रही है, और हब्बी और दिशान भी आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में, तो इसमें मिल्क डालूंगी। अभी हब्बी लेके आने वाले हैं मिल्क, मिल्क है नहीं आज घर पे, पूरा ही फिनिश हो गया, और फिर दिशान भी आते ही हट्टी मांगेगा तो इसको बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर मिल्क को हॉट करके मैं उसके लिए हॉटी बना दूंगी। और दोपहर वाली आज सब्जी रखी हुई है, छोले की बनाई थी जो मैंने, तो उसी के साथ अब राइस बनाऊंगी मैं अपने लिए, और हब भी खाते हैं रोटियाँ, तो पूड़ियों से उनका पेट नहीं भरता है, बट पूड़ी बनी थी आज, बट अब रोटी बनाऊंगी उनके लिए सब्जी के साथ में, और अपने लिए राइस बनाऊंगी सब्जी के साथ। सो यही डिनर होने वाला है हमारा आज, और काफ़ी लंबा हो गया और ये ब्लॉग, सो इस ब्लॉग को चलिए यहीं पे एंड करेंगे आज हम। सो चाय बन रही है, आ जाइए चाय पी लीजिए मेरे साथ में, अभी थोड़ा इंतज़ार लगेगा क्योंकि अभी मिल्क नहीं है इसमें डालने के लिए,
और डिनर में आज यही सब खाने वाले हैं हम। तो काफी अच्छा वो गया हमारा न्यू ईयर का पहला दिन, और हमने खूब इंजॉय किया। आउटसाइड गए हम लोग, अभी हम लोग ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह ये सब अवॉइड कर रहे, नहीं जा रहे, तो इसलिए हम घर पे ही खाना पीना अपना करके खाते हैं। आउटसाइड का कुछ भी नहीं खा रहे अभी, तो इसलिए नहीं तो फिर आज हम लोग बाहर ही खाना खाते, रेस्टोरेंट वगैरह जाते अगर ये कोरोना नहीं होता तो। जो भी है बहुत अच्छे से गया, और केक तो हम कभी कट करते ही नहीं है न्यू ईयर पे, सो इस बार भी कट नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूंगी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। सो हैप्पी हैप्पी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू अगेन। सो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।